वेरिएबल्स में हमने नंबर और स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को कवर कर लिया, उसके अलावा हमने ये सारे ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं। तो अब हम इस काबिल हो गए हैं कि नंबर हमें पता लग गया और प्लस माइनस पता लग गया, तो छोटी छोटा सा कोई ऑपरेशन करने के हम काबिल हो गए हैं। अच्छा, तो आज हम जो है वो क्या करेंगे, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आज हम यूज़र से इनपुट लेना सीखेंगे, क्योंकि दुनिया के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, उसमें एक चीज़ कॉमन होती है जिसका जिसको एक नाम भी दिया गया है, इसको कहते हैं IPO मॉडल। सही है, IPO मॉडल। तो दुनिया के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ना, उसके अंदर ये चीज़ कॉमन है कि एक इनपुट होता है। यार इसका कोई सही डिमॉन्स्ट्रेशन क्यों नहीं आ रही। तो इसकी कोई सही डेमॉन्स्ट्रेशन इमेज नहीं मिल रही मुझे अभी फ़िलहाल। तो एक होता है इनपुट, एक होता है प्रोसेस, एक होता है आउटपुट। जैसे कि फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, उसको एक इनपुट होता है उसका। मिसाल के तौर पे फोटोशॉप किस चीज़ के लिए बना है कि कैमरे से खींची गई फ़ोटो को अपने प्रोसेस करना है, उसके लिए खींचा गया। तो कैमरे से खींची गई फ़ोटो को आप फोटोशॉप के ऊपर लगाते हैं, पहले इम्पोर्ट करते हैं या जो भी इंसर्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद उस पर कुछ प्रोसेस करते हैं आप। वो प्रोसेस कुछ भी हो सकता है कि जी ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं या उसको क्रॉप कर रहे हैं या उसको कटिंग वटिंग कर रहे हैं, उसकी जो भी चीज़ें फ़ोटोशॉप में जो प्रोसेस जितने भी होते हैं, तो वो प्रोसेस आप करते हैं। उसके बाद उसका कोई ना कोई आउटपुट होता है, तो उस इमेज ही होता है वो एक आउटपुट मोस्टली। तो इस तरह आप दुनिया के किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में जब सोचेंगे तो आपको एक्चुअल में यही मिलेगा। जैसे एक कैलकुलेटर होता है आपके आपके पास, तो उस कैलकुलेटर में क्या होता है, एक इनपुट होता है उसका, उसको वो प्रोसेस करता है, एक आउटपुट देता है। इनपुट क्या होता है जी, अगर आपने किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जैसे आपने कहा कि जी 24 मल्टीप्लाई बाई 72, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 72 इज़ इनपुट। तो ये दो नंबर उसको मैंने दिया और उसने उसको प्रोसेस करके एक रिज़ल्ट जनरेट किया और फिर एक आउटपुट दिया मुझे। ठीक है, इसी तरह कोई और सॉफ्टवेयर सोचो, ATM मशीन सोचो। ATM मशीन भी एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, उसमें भी आप जाते हैं उसके ऊपर, आप जाके उसको कुछ इनपुट देते हैं। इनपुट क्या देते हैं जी, अपनी ऑथेंटिकेशन बताते हैं कि मैं ही हूँ जो पैसे निकालने आया हूँ। ठीक है, आप मेरा ही अकाउंट है। सही है, ऑथेंटिकेशन के लिए आप उसको कार्ड या तो इंसर्ट करते हैं या तो पिन इंसर्ट करते हैं या तो थंब इंप्रेशन लगाते हैं या तो फेस आईडी होती है। ठीक है, बहुत सारे मुख्तलिफ इसके ऑथेंटिकेशन के तरीके दुनिया भर में मौजूद हैं। हमारे यहाँ जो ज़्यादा चलता है वो कार्ड चलता है। ठीक है, अब थंब इंप्रेशन थोड़ा सा आना शुरू हो गया, और तो हम उसको ऑथेंटिकेशन करते हैं, सबसे पहले इनपुट देते हैं। सही है, साथ साथ एक और भी इनपुट देते हैं कि हमें पैसे कितने चाहिए। ऑथेंटिकेशन भी देते हैं, साथ साथ ये भी बताते हैं पैसे कितने चाहिए। तो ये सारा का सारा इनपुट हो गया। इस इनपुट को लेके वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस क्या है भाई, वो सबसे पहले तो वो आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको वो सही वेरीफाई करेगा कि ये ऑथेंटिकेशन की जो इन्फॉर्मेशन आई है, कार्ड इसका, पिन वगैरह या फेस आईडी या थंब इंप्रेशन जो भी आया है, ये क्या सही है या नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने जो दूसरा इनपुट दिया है कि जी इसने अगर बोला है कि 20,000 मैंने निकालना है, तो आया कि अकाउंट में 20,000 मौजूद है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को वो प्रोसेस करके फिर पैसे को वो गिनेगा, और वो भी प्रोसेस का पार्ट है, और गिनने के बाद वो उसको डिस्पैच कर देगा, दैट इज़ एन आउटपुट। अच्छा, उसके दरमियान में कहीं पर, प्रोसेस के दरमियान में वो कहीं पर रुक के, इनपुट मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं ना। इनपुट आपने ये इनपुट दे दिया जिसको वो प्रोसेस करना शुरू करेगा, तो सॉरी आउटपुट जो है वो मल्टीपल टाइप्स का भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा पैसे ही बाहर आ जाए। किसी दफ़ा में वो ये भी बोल सकता है कि जी मैंने आपकी ऑथेंटिकेशन की इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर रहा था, आपका पिन गलत है, या चलो पिन वाला स्टेज पास हो गया, फिर वो बोलेगा नहीं जी आपके पास इनसफिशेंट बैलेंस है या आपकी लिमिट ओवर हो गई है आज के दिन की। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो और भी बता सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आउटपुट में हर दफ़ा वो पैसे ही डिस्पैच कर दे, समटाइम वो एक एरर का मैसेज भी डिस्पैच कर सकता है आपको। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखें ज़िंदगी में कि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं दुनिया में, जो भी, उसमें एक्चुअल में ये तीन स्टेजेस में ही काम हो रहा होता है। एक इनपुट होता है, उस इनपुट को प्रोसेस किया जाता है, और उसका कोई ना कोई आउटपुट होता है। ठीक है, अच्छा कोई एक सॉफ्टवेयर का रैंडम नाम बताओ जो डेली यूज़ करते हो तुम लोग। व्हाट्सएप होता है। अच्छा, व्हाट्सएप को क्या होता है कि जी व्हाट्सएप का जो पर्पस है कि आप, यानी एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करना है। ठीक है, किसी दूसरे पर्सन से, तो आपका जो इनपुट होता है, जो आपने मैसेज लिखा, वो आपने इनपुट दे दिया, और किस बंदे को भेजना है वो भी बता दिया साथ में। आपने दो इनपुट दे दिए कि किसको भेजना है और क्या मैसेज भेजना है। अब वो व्हाट्सएप के हवाले हो गया,
तो ये व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है, उसके लिए ये इनपुट की तरह उसको मिला। अब व्हाट्सएप ने इसको प्रोसेस करना है। प्रोसेस क्या करेगा वो कि जी वो नंबर देखेगा कि आया कि ये नंबर मौजूद है या नहीं है, और वो उस नंबर पे उस मैसेज को समहाउ भेज देगा। अच्छा, फिर जिस बंदे को वो मैसेज भेजा गया है उसके पास जो आउटपुट की सूरत में क्या चीज़ें मिलेंगी उसको, दो चीज़ें मिलेंगी। नंबर एक तो वो ट्यून बजेगा, रिंग टून बजेगी उसकी कि जी कुछ मैसेज आया है। अच्छा, फिर वो जब खोलेगा तो उसको वो टेक्स्ट भी एक्चुअली दिख जाएगा। तो दो चीज़ें उसको आउटपुट के तौर पर मिलेंगी। तो हमेशा जितने भी दुनिया के सॉफ्टवेयर है ना, उसमें तीन चीज़ें लाजमी हो रही होती हैं। तो जितना जल्दी हो सके हम ये इनपुट आउटपुट सीख लेते हैं। तो आज हमने वो सीखना है। आ जाओ भाई, मैं इसके लिए एक फोल्डर बना लेता हूँ, दैट वुड बी कॉल्ड फोर ES6 इनपुट आउटपुट, ठीक है। और इसके अंदर आके मैं जो ये index.html है इसमें जो भी कुछ है पहले से, इसको उड़ा देता हूँ और इस पर मैं ये एक बेसिक HTML लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं हेडिंग लगा देता हूँ कि टेकिंग इनपुट, टेकिंग नहीं बल्कि जस्ट इनपुट आउटपुट। अच्छा, इनपुट आउटपुट हो गया। और बॉडी के लास्ट में मुझे स्क्रिप्ट का टैग एक चाहिए होता है ना, बॉडी के लास्ट में मुझे स्क्रिप्ट का टैग चाहिए होता है जिसमें मैं सारी की सारी जावा स्क्रिप्ट लिखूंगा मैं। तो यहाँ तक की जो बात है आप सब लोग इससे फेमिलियर हैं, इसमें कोई भी नई बात नहीं लिखी हुई इस वक्त, सब लोग इससे एग्री कर रहे हैं। अच्छा, ये स्क्रिप्ट के अंदर मैंने लिखा है जावा स्क्रिप्ट, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि आप इसकी अलग फाइल बनाएं, जो हमने पहले दिन हेलो वर्ल्ड में पढ़ा था कि अलग फाइल बनाएं, ठीक है। अच्छा, और वो तीनों क्लासेस की, लास्ट कल वाली क्लास की शायद मैंने वीडियो अभी तक अपलोड नहीं की, लेकिन मैं कर दूंगा बहुत जल्दी। तो इसके अंदर कोई भी नई चीज़ नहीं है, जो मैं पढ़ा चुका हूँ सारा वही इसके अंदर शामिल है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे यूज़र से इनपुट लेना है, तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो यूज़र से इनपुट लेने का तरीका है वो क्या होता है, किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं वहाँ पे आपने साइन अप करना होता है जब, तो एक्चुअली वो आप इनपुट दे रहे होते हैं, उसके लिए फॉर्म मौजूद होता है, एक टेक्स्ट बॉक्स की सूरत में एक फॉर्म मौजूद होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर्म, ठीक है, फॉर्म लिखूँगा मैं यहाँ पे। अच्छा, फॉर्म के बाद क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे, लिखूँगा इनपुट। अच्छा, ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ देख के, ये HTML के एलिमेंट्स हैं जो आप जानते हैं कि वो कौन से हैं सारे, वो लिस्ट मैंने आपको दे दी थी शुरू में ही, तो उसी लिस्ट में से देख के लिख रहा हूँ मैं ये। अच्छा, ये जो मैं चीज़ लिख रहा हूँ इनपुट और आउटपुट, ये हम अब थ्रू आउट द कोर्स इसी तरह करेंगे। तो अगर ये किसी को मतलब ये इतनी डिटेल में ये बात समझ नहीं आई है तो भी नो प्रॉब्लम, अगर जस्ट आप इतना कोड आप लिखना सीख जाएं एक दफ़ा अपने हाथ से तो गुड इनफ है आपके लिए, ठीक है। तो मैंने कहा जी इनपुट, और इनपुट की टाइप मैंने रखी टेक्स्ट। मिसाल के तौर पे हम एक कैलकुलेटर बना रहे हैं, ES6 कैलकुलेटर, ठीक है, हम एक कैलकुलेटर बना रहे हैं। अब इस कैलकुलेटर में हमें क्या चाहिए होगा, एक चाहिए होगा नंबर, फर्स्ट नंबर, एक चाहिए होगा सेकंड नंबर। तो मैंने कहा कि फर्स्ट नंबर, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे फॉर्म में क्या लिखा हो, जैसे नेम लिखा होता है आगे खाना होता है, इसी तरह फर्स्ट नंबर लिखा हो आगे खाना हो उसके, एक बना हुआ। नीचे आया मैंने लिखा BR, BR से क्या होता है एक लाइन चेंज हो जाती है। फिर इसी तरह मैंने कहा कि जी सेकंड नंबर, और साथ में एक और इनपुट बॉक्स, ठीक है, उसके बाद BR, और उसके बाद एक बटन, और बटन वुड बी कॉल्ड सम, सही है। तो ये मैंने एक फॉर्म बना लिया छोटा सा, सिंपल HTML, नथिंग फैंसी। इसको अब चला के देखते हैं कि स्क्रीन पे कैसा दिखता है। अभी तक इसमें जावास्क्रिप्ट वाला एलिमेंट शामिल नहीं किया मैंने, अभी तक जस्ट ये एक सिंपल फॉर्म है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मुझे मेरा फॉर्म दिख रहा है, जावास्क्रिप्ट जब भी लिखूंगा मेरा इंस्पेक्शन यहाँ खुली हुई होनी चाहिए। अगर इंस्पेक्शन, बहुत सारे लोगों ने लास्ट मुझे असाइनमेंट चेक करवाया या अपने प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं तो उनका ये इंस्पेक्शन बंद होती है और वो यहाँ पर ना लिख के ऐसे चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। या यहाँ पर कुछ इफ एल्स या जो भी चीज़ आपने अभी तक पढ़ी है, कोई प्लस माइनस वाली चीज़ कर रहे हैं या वेरिएबल बना रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो आपका ये यहाँ पर ना ये खुला होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे आपने ये कॉन्सोल डॉट लॉग लिखा है ना, तो इसका अगर LOG की जगह G मिस हो गया आपका, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने कोई मिस्टेक की है। लाइन नंबर 24 पे ये देखें बता रहा है कि टाइप कॉन्सोल डॉट LO इज़ नॉट अ फंक्शन, कह रहा है कॉन्सोल डॉट LO तो कोई चीज़ नहीं है, कॉन्सोल डॉट लॉग होता है। तो इसलिए आपका इंस्पेक्शन हमेशा, अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो कोई मसला नहीं है, हेलो ES6 आ गया,
तो ये इंस्पेक्शन आपका मैं बंद नहीं देखना चाहता हूँ। जब भी आप कोई एरर मेरे पास लेकर आते हैं या ख़ुद भी आप डिबगिंग कर रहे हैं या कोडिंग कर रहे हैं और उसको चला के देख रहे हैं आप, तो आपका ये खुला होना चाहिए। ठीक हो गया भैया। अच्छा अब मैंने क्या करना है जी, यहाँ पे मेरा इनपुट यूज़र ने लिख दिया। अच्छा यूज़र ने क्या लिखा, यूज़र ने लिखा मिसाल के तौर पर 20 और साथ में यूज़र ने लिखा 13, और वो सम का बटन जब दबाएगा तो अभी तो कुछ भी नहीं होता। अभी जब यूज़र सम का बटन दबाता है तो अभी कुछ भी नहीं होता, बल्कि पेज रिफ्रेश हो जाता है। लेकिन मैंने इसके बटन के क्लिक पे क्या करवाना है, इन दोनों नंबर को पहले उठाना है और इन दोनों को प्लस करवाना है और मैंने वापस उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। तो अब इसके अंदर हम शुरू करते हैं क्या करना है इसको। अच्छा सबसे पहले तो मैं क्या दूंगा, इन दोनों इनपुट को मैं एक ना एक आईडी दूंगा। ठीक है आईडी कोई भी अपनी मर्ज़ी की दे सकता हूँ मैं, सही है, ये फर्स्ट नम दे देता हूँ मैं इसको आईडी। ठीक है ये आईडी क्या है, इस इनपुट बॉक्स की आइडेंटिफिकेशन है कि जब मैं जावास्क्रिप्ट में बोलूँगा ना, अच्छा ये यहाँ से इनपुट उठाओ और यहाँ से इनपुट, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है अदरवाइज़ अगर मैं इसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं लगाऊंगा ना, दोनों इनपुट तो सिमिलर हैं बिल्कुल, तो मेरे जावास्क्रिप्ट को क्या पता कि ये पहले वाले में से आया या सेकंड वाले में से आया। अच्छा तो मैं फर्स्ट के बाद इसमें लिख देता हूँ सेकंड नम। ठीक हो गया जी। अच्छा यार इसको गौर से यहाँ पे देखें, नोट्स वगैरह लेने की शायद ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि ये अपलोड कर दूंगा मैं तो ये आपको एज इट, और ये कोड मैं पुश भी करता हूँ github.com पे, तो इस कोड में जो भी कुछ लिखा हुआ है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है अच्छा आ जाते हैं जी हम, तो फर्स्ट नम और सेकंड नम इसको मैंने क्या दे दी, आईडी दे दी इन दोनों इनपुट बॉक्सेस को। अच्छा और मैं साथ में क्या लगा देता हूँ, ये जो फॉर्म है मेरा इस पर ऑन सबमिट लगा देता हूँ ऐसे। ठीक है ऑन सबमिट के ऊपर मैंने कहा कि यार डू सम, और डू सम का एक फंक्शन मैंने यहाँ पे रन करवा दिया, सही है। अच्छा तो अब क्या होगा कि मेरे पास जब यहाँ पे यूज़र कोई भी इनपुट लिखेगा और सम का बटन दबाएगा तो ये डू सम का एक फंक्शन होगा, ये रन होगा। अच्छा फंक्शंस क्या चीज़ होती हैं ये हम इन फ्यूचर अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे कोर्स आउटलाइन में हमारे ये फंक्शंस है लास्ट में। ठीक है तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इसको एज इट इज़ करने की कोशिश करेंगे जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। अच्छा उसके बाद ये कॉन्सोल डॉट लॉग जैसे लिखा हुआ है लिखा रहने देते हैं, इसको कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मैं बनाऊँगा फंक्शन डू सम। अच्छा एक चीज़ और आपने बड़े जहन में रखनी है कि ये डू सम है ना, इसकी जो स्पेलिंग है कैपिटल स्मॉल, ये केस सेंसिटिव आपने उस तरह बनानी है, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। सही है इसको केस सेंसिटिव आप इसी तरह बनाएंगे। अच्छा और आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, इवेंट, सही है, और जो यहाँ पे इवेंट लिखा है आपने वो यहाँ पे भी लिखेंगे इवेंट। और सबसे पहले आप क्या करेंगे, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है ये भी सारा केस सेंसिटिव है। अच्छा इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट से क्या होगा कि मेरे पास जब इस पर सबमिट पे क्लिक होता है ना, तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर इसका एक फॉर्म का क्या होता है कि ये पूरे के पूरे पेज को रिफ्रेश कर देता है, पूरे के पूरे पेज को क्या कर देता है, ये रिफ्रेश कर देता है। तो ये मैंने जो प्रिवेंट डिफॉल्ट किया ना, इससे अब ये रिफ्रेश नहीं होगा। आपने जैसे कि लास्ट देखा था जब मैं इसमें कुछ भी लिखता था और कुछ भी लिख के इसमें मैं सम का बटन दबाता था तो पहले रिफ्रेश हो जाता था, ये अब नहीं हो रहा रिफ्रेश ये। ठीक है तो मैंने इसको डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को मैंने क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया। अच्छा अगला काम अब मैंने क्या करना है, देखें अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक होगा ना तो क्या होगा, ये एक फंक्शन है ना, जो फंक्शन क्या चीज़ होती है, ये इस ब्रैकेट से फंक्शन शुरू है और इस ब्रैकेट पे ख़त्म है। तो यहाँ पे मैं वो जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ जो मुझे फ़ौरन नहीं चलवानी, फंक्शन जो मैं लिख रहा हूँ, देखो पहले तो ये कॉन्सोल डॉट लॉग मैंने लिखा था ना, ये तो जैसे ही पेज लोड होता तो खुद ही चल जाता था, लेकिन मैंने ये वाला जो काम अब मैं इसके अंदर लिखने लगा हूँ ना, ये मैं इसके अंदर क्यों लिख रहा हूँ फंक्शन के अंदर, क्योंकि मुझे ये काम फ़ौरन नहीं करवाना, पेज लोड हो जाए ये काम नहीं करवाना मैंने फ़ौरन, जब तक बटन पे क्लिक ना हो ना ये काम मैंने नहीं करवाना, जब तक बटन पे वो बंदा क्लिक नहीं करता जब तक ये काम चलना नहीं चाहिए। तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है यहाँ से शुरू है और ये यहाँ पे ख़त्म है, दिस इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड जो कि मुझे बटन के क्लिक पे चलवाना है, जो कि मुझे फॉर्म की सबमिशन पे चलवाना है। तो ये इस वजह से मैं इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर लिख रहा हूँ इसको। अच्छा नंबर वन एक लेट, पहले तो हम ये करते थे ना, लेट माई नम और इक्वल्स टू करके 5 कर देते थे, अब ये 5 नहीं करूँगा मैं, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर
और इसके अंदर मैं क्या दूंगा, वो आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, माई नमनी एक्चुअली, इसको मैं शायद फर्स्ट नंबर लिखूंगा इसको, ठीक है। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट इस केस में क्या है, डॉक्यूमेंट मेरा ये HTML का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये HTML का डॉक्यूमेंट है ना, ये पूरा का पूरा जो बॉडी और ये H1 और ये ईच एंड एवरी थिंग इन दिस डॉक्यूमेंट। तो मैं कहूँगा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी का मतलब होता है कि तलाश करके लाओ, तो मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट में से तलाश करके लाओ क्या है भला, ये फर्स्ट नम वाली चीज़। तो मैं इसको कहूँगा ऐसे, अच्छा इसको मैं डबल कोटेशन में भी लिख सकता हूँ, चलो फिलहाल डबल कोटेशन में लिखते हैं, ठीक है। मैंने कहा आईडी फर्स्ट नाम, ये आईडी याद है ना, सीएसएस में भी आईडी इसी तरह डोनेट कर रहे होते हैं, तो मैंने कहा कि आईडी और ये फर्स्ट नाम, इस नाम से जो एलिमेंट मौजूद है, इस आइडेंटिफिकेशन से जो एलिमेंट मौजूद है मेरे पास, किधर, डॉक्यूमेंट के अंदर, तो डॉक्यूमेंट से उसको तलाश करके लाओ इस आईडी वाले डॉक्यूमेंट को। अच्छा, और डॉट वैल्यू, एलिमेंट तो पूरा का पूरा एलिमेंट को कहते हैं ना, मैंने कहा पूरा एलिमेंट उसके अंदर की वैल्यू लेकर आओ। अच्छा, ये हम इसी तरह लिखेंगे हर दफ़ा, जब भी मुझे किसी टेक्स्ट बॉक्स से उठाना होगा ये हम इसी तरह लिखेंगे, आईडी जैसे ये चेंज होती रहेगी, ये पूरा बॉयलर प्लेट कोड है, बॉयलर प्लेट समझते हो ना, अच्छा बता दूंगा मैं। और इसी तरह मैंने क्या कर दिया, सेकंड नम बना दिया यहाँ पे नंबर, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया सेकंड नम। तो लिहाजा अब ये क्या करेगा कि जब जब पेज लोड होगा तब तो कुछ भी नहीं होगा, पेज लोड होगा तो ये जस्ट ES6 ही हेलो आ जाएगा, जैसे ही इस फॉर्म के अंदर बंदा ये टेक्स्ट लिखेगा यहाँ पे और लिखने के बाद सम का बटन दबाएगा, तो ये इतना ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, और इतना ब्लॉक ऑफ कोड रन होते ही क्या करेगा, एक वेरिएबल बनेगा, और उसके अंदर वेरिएबल में वैल्यू कहाँ से आएगी, उस फॉर्म की एक फील्ड से जो भी लिखा होगा वो आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाले में भी एक फॉर्म की एक फील्ड से लेकर आ जाएगा वो, दैट्स इट। अच्छा, और ये फर्स्ट नम और सेकेंड नम को अब मैं यहाँ पे क्या करा लेता हूँ, कॉन्सोल करा लेता हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि मुझे आया कि वाकई वो वैल्यू मिलना शुरू हो गई है या नहीं हो गई। मैंने कहा कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है, फर्स्ट नम एंड सेकंड नंबर, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल का जो नाम मैंने लिखा है एग्जैक्टली वही नाम लिखूंगा तो ये कॉन्सोल होगा, अदरवाइज ये कॉन्सोल पे प्रिंट नहीं होगा। आ जाओ भाई, अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, और मैंने कहा कि भाई इसमें लिखो आप 13 और दूसरे बॉक्स में लिखो आप 24, और सम का बटन दबाते ही मेरे पास ये दोनों वैल्यूज़ मेरे वेरिएबल में मिलना शुरू हो गई हैं मुझे, सही है। यहाँ तक का काम जो इनपुट वाला था ना वो मेरा पूरा हो गया, यहाँ तक का जो काम इनपुट वाला था वो पूरा हो गया। अब इस पर मैंने क्या करना है, प्रोसेस करना है, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस करने से पहले एक चीज़ हम और भी देखते हैं कि अगर कोई इनपुट फील्ड को खाली छोड़ दे तो जब भी ये सबमिट हो जाता है और मुझे एक वैल्यू खाली मिलती है, तो इसके लिए HTML के अंदर एक मेरे पास चीज़ मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड रिक्वायर्ड, ठीक है। दोनों पे मैं रिक्वायर्ड लगा दूंगा कि जब तक इसमें वैल्यू ना पुट की जाए, इसको जैसे एक में लिखा है इसने 23 और दूसरे को खाली छोड़ा और सम का बटन दबाता है, तो ये इसको सबमिट नहीं करने देगा, ये बोलेगा भाई फिल दिस फील्ड, जो भी दोनों पे लिखेगा ये तो ही दबाएगा। अच्छा, एक में ये आ गया है, ये ABCD आ गया है, ये तो एक में ये क्या हो गया, तो इसका भी ये ख्याल है जावास्क्रिप्ट के इसमें HTML में कि टाइप को मैं टेक्स्ट की जगह क्या कर दूंगा, नंबर कर दूंगा, सही है, नंबर। अब नंबर करते ही क्या होगा, रिफ्रेश करूंगा मैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मुझे देखो ये दिख रहा है, ठीक है। मैंने कहा कि 23.5 और ABCD पे ये काम नहीं करेगा, ABCD के बटन पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, और मैंने कहा कि भाई 13.23, ठीक है। और अब मैं जब सम का बटन दबाऊंगा नहीं, पॉइंट वाला इसको एक्सेप्ट करना चाहिए ना, इसमें एक स्टेप करके चीज़ होती है, स्टेप होगा 0.1, स्टेप ये चीज़ होती है कि अगर मैं जैसे ऊपर वाला बटन है ना तो ये एक दबाऊंगा तो ये कितना ऊपर जाएगा, ठीक है, ये स्टेप होता है। तो अब ये मुझे मना नहीं करेगा इंशाल्लाह, 13.5, ठीक है, और 12.3, तो अब मुझे ये होपफुली मना नहीं करेगा। अच्छा, सेकंड वाले पे मैंने स्टेप नहीं लगाया ना, 0.1, ठीक है, ठीक है, मुझे ये दोनों मिल गए।
इसमें सर जितनी एक्यूरेसी चाहिए होगा वो हाँ स्टेप में कर सकते मैं जितनी एक्यूरेसी चाहिए होगी मुझे मैं उतना स्टेप में लिख दूंगा तो वो मुझे अलाउ कर देगा फिर ठीक हो गया जी। अच्छा तो ये मैंने क्या कर दिया अपने HTML के जो फॉर्म पे ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि जी नंबर लिखेगा बंदा और वो क्या करेगा वो जब तक सबमिट नहीं कर पाएगा जब तक उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं खाली छोड़ेगा तो सबमिट नहीं कर सकता ठीक है। तो ये सारा HTML है HTML के एलिमेंट्स हैं उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो आप जाएंगे जब इनपुट वाले में इनपुट एलिमेंट में तो ये सारे एट्रीब्यूट्स आपको मिल जाएंगे इसमें और क्या क्या लग सकता है वो भी मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ कि HTML इनपुट एलिमेंट ठीक है। तो इनपुट एलिमेंट के ऊपर ये आ गया जी Mozilla डॉक्यूमेंट्स तो इनपुट के ऊपर जो जो एट्रीब्यूट लग सकते हैं ठीक है वो सारा आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। इनपुट के ऊपर सबसे पहले चीज़ लगती है टाइप तो टाइप अभी तक हमने कौन सा देखा है अभी तक हमने देखा है टेक्स्ट और नंबर। यहाँ पे देखें आप डेट भी है कलर भी है ईमेल भी है टाइप में हमारे पास फाइल है हिडन है ठीक है इमेज भी है हमारे पास एक तो ये बहुत सारा ये नंबर आ गया जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं ठीक है। उसके अलावा पासवर्ड है पासवर्ड लिखने से क्या होता है कि वो जब उसमें मैं लिखूंगा तो स्टैटिक बनवा रहा होता है। तो ये इनपुट अब इस पर जो जो एट्रीब्यूट लग सकते हैं ना वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा अभी तक देखें हमने एक्सेप्ट आल्ट ऑटो कम्प्लीट कैप्चर अभी जो हमने लगाया स्टेप वो भी इसमें कहीं ना कहीं आ रहा होगा फ्रॉम तो हमने नहीं इस्तेमाल किया अभी वो फॉर्म एलिमेंट का नाम है FORM है वो फॉर्म और ये दूसरा फॉर्म है ये एट्रीब्यूट है इसका हाइट लिस्ट मैक्स लेंथ मिन लेंथ ठीक है। अच्छा अब नंबर के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम भी डिफाइन कर सकता हूँ कि जी मिनिमम जो है वो जीरो से छोटा ना लिख सके वेल अभी तो हमें क्योंकि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन में माइनस वाली भी मैं ले सकता हूँ लेकिन मिसाल के तौर पर किसी बंदे की एज लेता हूँ मैं इनपुट तो एज के अंदर क्या करूँगा मैं मिनिमम उसको जीरो से नीचे तो नहीं जाएगी एज नेगेटिव तो नहीं हो सकती एज ठीक है। तो मैं कहूँगा कि एटलीस्ट आप इसको वन पे सेट करेंगे एज को ठीक है वन ईयर उससे कम आप एज सेट नहीं कर सकते ठीक है। या मे बी मैं इसको 0.1 सेट करूँगा मिनिमम डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का सॉफ्टवेयर है। अगर मिसाल के तौर पे किसी होटल के रूम को बुक करने का सॉफ्टवेयर है तो उसमें शायद मैं क्योंकि 16 ईयर से शायद कम वालों को रूम देना अलाउ नहीं होता हमारे यहाँ पाकिस्तान में शायद ये 18 है इसकी हद बाकी जगहों पर शायद 16 है तो क्योंकि हमारे यहाँ NIC लेते हैं वो तो मैं ऑटोमेटिकली उसको मिनिमम 18 पे सेट करूँगा कि भाई मिनिमम 18 के होंगे तो आपसे ये फॉर्म फिल होगा अदरवाइज इससे कम है तो हम अलाउ नहीं करते तो मैं मिनिमम वहाँ पे 18 सेट करूँगा मैं वन सेट नहीं करूँगा ठीक है। इसी तरीके से मैक्सिमम भी मैं सेट कर सकता हूँ कि जी आमतौर पर मैं शायद 100 को मैक्सिमम सेट कर दूँगा कि भाई 100 ईयर से ज़्यादा वाला बंदा जो है वो फॉर्म को फिल ना कर सके क्योंकि 100 ईयर वालों को शायद अगर हम अलाउ करते हैं या नहीं करते डिपेंडिंग ऑन दैट ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम ये डिफरेंट टाइप के इनपुट्स के अंदर हमें ये काम आएगा इसमें स्टेप के नाम से भी वो आ रहा होगा जो हमने अभी इस्तेमाल किया है ठीक है। ये स्टेप आ गया स्टेप किस किस में लगेगा नंबर में लगेगा डेट में मंथ में वीक में ये हर किसी पे नहीं लगेगा। मिसाल के तौर पर नंबर इनपुट में स्टेप है लेकिन टेक्स्ट वाले में ये स्टेप नहीं लगेगा ठीक है इंक्रीमेंटल वैल्यू इसकी। अच्छा जी तो ये हमने थोड़ा सा इसको ओवरव्यू कर लिया कि ये क्या चीज़ है भला। अच्छा तो ये हमारा जो फॉर्म है ये रेडी है उसके अलावा कॉन्सोल पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो ठीक आ रही है बिल्कुल। तो यहाँ तक हमारा इनपुट वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब मैंने इसको जो करना है वो क्या करना है एक रिज़ल्ट RESULT रिज़ल्ट इक्वल्स अच्छा लेट लगेगा क्योंकि रिज़ल्ट के नाम से वेरिएबल मौजूद नहीं है तो मैंने कहा लेट रिज़ल्ट इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर माइनस या प्लस सेकेंड नंबर ठीक है लाइन टर्मिनेटर ये मेरा प्रोसेस हो गया ठीक है। और सबसे लास्ट काम मैंने क्या करना है लास्ट काम ये करना है कि मैंने उसको डिस्प्ले करवाना है वापस स्क्रीन के ऊपर। अच्छा वापस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है तो कहाँ करवाना है ठीक है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा एक फॉर्म के नीचे एक मुझे कोई एलिमेंट बना दूंगा मैं या मैं H1 बना सकता हूँ या मैं डिव बना सकता हूँ लेकिन उसको मुझे क्या देना पड़ेगा एक आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ेगी। मैं बोलता हूँ कि यार रिज़ल्ट विंडो रिज़ल्ट या रिज़ल्ट विंडो जो भी मेरा दिल करेगा मैं कोई भी आईडी इसको दे सकता हूँ। अच्छा ये H1 स्क्रीन पे मुझे अभी नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये जो H1 है इसके अंदर कोई टेक्स्ट कोई डेटा कोई कॉन्टेंट नहीं है तो लिहाजा मुझे ये स्क्रीन पर जब तक कुछ लिखूँगा नहीं इसके अंदर ये मुझे नज़र नहीं आएगा। हालाँकि ये डॉम पर मौजूद है मैं अगर यहाँ जाता हूँ फॉर्म पर
तो आप देखें फॉर्म के फौरन बाद ये एच वन यहाँ मौजूद है, लेकिन स्क्रीन पे मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं अंदर, ये ब्लैंक है। अच्छा तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये एच वन आ गया और ये इसके अंदर एक आइडेंटिफिकेशन मैंने इसको दे दी। अच्छा और मैं अब क्या करूँगा, मैं नीचे आके मैं बोलूँगा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, और हैश और रिजल्ट विंडो डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू, और कोई भी वैल्यू उसके आगे मैं लिखूँगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि यार इसमें इनर एच टी एम एल लिख दो कि भाई दिस इज सम टेक्स्ट, ठीक है। तो ये जब कोड, ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा तो उसके इनर एच टी एम एल में क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा। अच्छा आप शायद ये भी एक चीज़ नोट कर रहे हो कि इसमें मैंने इनर एच टी एम एल लगाया है और यहाँ पर मैंने लगाया था वैल्यू, तो जो इनपुट बॉक्सेस होते हैं ना उसके अंदर से जब हम वैल्यू उठाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू, लेकिन जब किसी एलिमेंट का जो कंटेंट है जब हम उसकी बात करें तो दैट इज़ कॉल्ड इनर एच टी एम एल, ठीक है, या इनर एच टी एम एल और इनर टेक्स्ट दोनों इसके लिए इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ मैं कुछ भी लिखूंगा यहाँ पे और मैं सम का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे ये दिस इज, लेकिन मुझे ये दिस इज टेक्स्ट नहीं दिखाना, मुझे तो दिखाना है दोनों का सम। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास जो ये जो प्रोसेस किया है मैंने और इस रिजल्ट के वेरिएबल में ये नम वन और नम टू का दोनों का सम जो है वो इस रिजल्ट में मौजूद है, राइट। तो इस रिजल्ट को मैंने क्या करना है, इस जगह पे दिखाना है। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट ये लिख दूंगा, आसान है। आगे देखते हैं अब क्या होता है। मैंने कहा कि यार 20.3 और 11.8। अच्छा जी, जब मैं सम का बटन प्रेस करूंगा तो क्या स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा, वो लोग जिनको थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट पहले से आती है, कितने लोग थे हमारे, 50% लोग हैं तकरीबन, 32.1 आएगा। दोबारा हाथ खड़ा करो ना, कितने लोगों को जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत आती है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ एक्चुअली, बाकी तो लोगों को नहीं पता होगा ना, बाकी लोगों को भी पता होगा, हमने प्लस माइनस कल सीखा है। मैं आसान कर देता हूँ इसको, 5 + 6, वो पॉइंट वाले चक्कर मैंने ख़त्म कर दिए। अब क्या रिजल्ट आएगा स्क्रीन पर, हाँ भाई कितने लोगों को जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत आती है, हाथ तो खड़ा करो, क्यों नहीं खड़ा कर रहे, हाँ भाई हाँ भाई सब लोग इस पे मुत्तफिक हैं कि 11 आंसर आएगा, क्या आएगा, क्या आंसर आएगा, ये कोड है, कोड दोबारा दिखा देता हूँ। ये मैंने फर्स्ट नंबर को तो कंसोल पे प्रिंट करा लिया था, मुझे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर बिल्कुल सही मिल रहा है, इन दोनों को मैंने प्लस किया और प्लस करके रिजल्ट में डाला, बिल्कुल सही है। तो रिजल्ट के अंदर उसका सम आना चाहिए, जो भी सम उसका बनता है, और उस सम को मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे प्रिंट करा दिया। इस प्रिंट वाली लाइन में कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ है यहाँ, सही है। अच्छा तो चलो मैं बता देता हूँ क्या आएगा, इसको जब मैं बटन दबाऊंगा तो स्क्रीन पे 56 लिखा हुआ आएगा, सही है 56 लिखा हुआ आएगा। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस वजह से हुआ कि जब भी हम किसी फॉर्म से वैल्यू उठाते हैं, किसी इनपुट बॉक्स से वैल्यू उठाते हैं, बावजूद इसके कि उसकी टाइप नंबर वहाँ पर डिफाइंड है स्क्रीन के ऊपर जो फॉर्म है, कि भाई नंबर के अलावा कुछ लिख नहीं पा रहा बंदा, लेकिन जब मैं वहाँ से वैल्यू उठाता हूँ तो मुझे हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में मिलती है। हमने लास्ट टाइम दोनों टाइप के वेरिएबल पढ़े थे, एक स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट जिसमें हम सेव कराते हैं और ये एक नंबर टाइप का वेरिएबल, तो ये हमें टेक्स्ट की फॉर्म में मिलता है, ये हमें किस में मिलता है, टेक्स्ट की फॉर्म में मिलता है। तो हमें इसको अगर कन्वर्ट करना है नंबर में तो इसके हमारे पास छोटा सा एक तरीका है, मैं इसको बोलता हूँ कि यार इसको नंबर में कन्वर्ट कर दो, सही है। ये ऐसा करने से क्या होगा, ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको इस्तेमाल करने से पहले मैंने इसको कहा कि इसको नंबर में कन्वर्ट कर दो, तो अब इतना पार्ट क्या रिटर्न करेगा मुझे, जो भी वैल्यू उसको इनपुट मिली है उसका नंबर रिप्रेजेंटेशन उसकी रिटर्न करेगा मुझे, ठीक है। इसी तरीके से जो इतना पार्ट है ये एक एक्चुअली दिस इज़ एन एक्सप्रेशन ना, राइट, दिस इज़ एन एक्सप्रेशन जो हमने कल बात की थी कि मैथ एक्सप्रेशन होता है, तो ये एक मैथ की ज़ुबान में लिखा हुआ एक जुमला है। तो इसके अंदर मिसाल के तौर पर बंदे ने एंटर किया है फर्स्ट नंबर पे 5 एंटर किया है और यहाँ पे बंदे ने एंटर किया 6, तो इस जगह पे मुझे क्या मिलेगा,
मुझे ऐसे करके 5 मिलेगा, स्ट्रिंग फॉर्म में मिलेगा। और ये वाला जो फंक्शन है ये इसको क्या करेगा, इसको ये न्यूमेरिक 5 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ऐसे करके 6 मिलेगा, और ये इसको क्या कर देगा, ये नंबर का जो फंक्शन है ये इसको न्यूमेरिक 6 में कन्वर्ट कर देगा। और लिहाजा अब ये क्या होगा, अब ये दोनों इवेल्यूएट होंगे 11 पे, और 11 रिजल्ट की वैल्यू वेरिएबल में चला जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड करके मैं वापस एक्चुअल कोड पे आ जाता हूँ। ठीक है जी, तो अब ये लाइन जो है ये क्या हो गई है, बिल्कुल ठीक हो गई है। सब लोगों को ये बात समझ आई है? अब हम इस कोड को जो क्या करते हैं, दोबारा से चला के देखते हैं और हम चेक करते हैं कि आया कि हमारा जो ये मसला है हल हुआ कि नहीं हुआ। 5 और 6 सम, अब ये 11 सही शो हो गया। अच्छा, मुझे सिर्फ 11 नहीं शो करवाना है, मुझे शायद थोड़ा सा मैं इसमें कुछ बात भी लिख देता हूँ ना कि द सम इज़ 11, है ना, द सम इज़ 11 लिख देता हूँ। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार लेट लेट क्या कह देता हूँ इसको, मैसेज जो मुझे स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, मैसेज मैंने नाम रख दिया इसका। और मैंने कहा कि मैसेज जो है वो क्या है। अच्छा, अब मैं ना एक कल तो हमने स्ट्रिंग वेरिएबल एक पढ़ा था जो सिंपल सा कि डबल कोटेशन में हम लिख रहे हैं ऐसे करके स्ट्रिंग लिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं डबल कोटेशन में एक्चुअली मैं क्या लिखना चाहता हूँ कि द सम ऑफ मिसाल के तौर पर 5 एंड 6 इज़, और उसके बाद जो भी मेरा रिजल्ट, तो इस तरह का एक मैं मैसेज लिखना चाह रहा हूँ। लेकिन ये 5 और ये 6 ये वेरिएबल से मैंने प्रिंट कराना है इधर, ये हर दफ़ा 5 6 ऐसे लिख दूंगा तो ये हर दफ़ा 5 6 प्रिंट करेगा। अच्छा, तो इस तरह का जब हमें काम करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको हम डबल कोटेशन में लिखने के बजाय इसको हम बैक टिक में लिखते हैं। ठीक है, अच्छा इसको गौर से देखें, ये बैक टिक जो है सिंगल कोटेशन नहीं है, सिंगल कोटेशन ऐसा होता है, ये बैक टिक है। ठीक है, ये बैक टिक ऐसा है, ये डबल कोटेशन है, ये सिंगल कोटेशन है, और ये बैक टिक है। अच्छा, ये बैक टिक आपके कीबोर्ड में कहाँ होता है, जो आपके एस्केप का बटन है उसके नीचे वाला बटन है जिसके ऊपर अलिफ मद्दा लिखा हुआ है, ये अलिफ मद्दा वाला बटन है। इसको अगर आप शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो ये आता है, हाइफन जो है अलिफ मद्दा वो आता है, और अगर बगैर शिफ्ट के दबाते हैं तो ये बैक टिक आता है। तो ये आपने बैक टिक में लिखा है। अच्छा, ये जो स्ट्रिंग लिखने का तरीका है बैक टिक वाला, ये ES6 में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उससे पहले ये मौजूद नहीं था। ठीक है, तो हम ये नया वाला इसको पढ़ रहे हैं। अच्छा, कल जो हमने पढ़ा था वो ES6 में, वो ES5 में भी मौजूद था। अच्छा, तो हम अब क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे हम ये वाला ही इस्तेमाल करें थ्रू आउट द कोर्स। अच्छा, इसमें बेनिफिट क्या होता है कि इसमें ये 5 की जगह ना मैं ऐसे करूँगा और टेम्पलेट्स बना सकता हूँ मैं, ये टेम्पलेट्स हैं कि जी इस जगह पर एक वेरिएबल चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा ये डॉलर और ऐसे ओपन क्लोज करके ना, दिस इज़ कॉल्ड टेम्पलेट। तो इसका जो पूरे का नाम है वो क्या है, मैंने कहा यार फर्स्ट नंबर जो भी आया ना यूज़र के पास से वो यहाँ लिख दो। ठीक है, इसको इसका मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड ES6 स्ट्रिंग टेम्पलेट, टेम्पलेट्स या टेम्पलेटिंग या जो भी इसका, आई एम नॉट श्योर कि उसको क्या बोल रहे हैं, बाहर टेम्पलेट करके कुछ इसका है, ES6 स्ट्रिंग टेम्पलेट। तो मैंने कहा कि द सम ऑफ, उसके बाद जो फर्स्ट नंबर यूज़र ने दिया है दैट इज़ 5 इन माय केस, एक और टेम्पलेट यहाँ पे, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि जी सेकंड नंबर, ठीक है, और देन यहाँ पे रिजल्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक सेंटेंस बन गया पूरा, एक मैसेज बन गया, और इस मैसेज को फिर मैं इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देता हूँ। ठीक है जी, आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं लिखता हूँ 5, 6 सम, तो ये लिखा हुआ गया। इसी तरीके से मैं लिखता हूँ कि 23, 15 ये लिखा हुआ गया। सही है, तो हमने एक छोटा सा कैलकुलेटर आज की क्लास में हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, आज की क्लास में हमने छोटा सा कैलकुलेटर बना के देख लिया। अच्छा, तो आप सब लोगों ने अब क्या करना है, सबसे पहले तो ये करना है कि अभी राइट नाउ ये कैलकुलेटर, ये मैं कोड पुश कर रहा हूँ github.com पे, आप सब लोगों को इसका एक्सेस है इस कोड का। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, आप जाके गूगल पे लिखेंगे इंजमाम मलिक, और ये तीसरे या चौथे नंबर पे ये github देखे मेरा आ गया, इस पर चले क्लिक करके चले जाएंगे। क्या पूछता रहता है मुझसे ये रिमाइंड लेटर। अच्छा, github की रिपॉजिटरीज में चला गया मैं। ठीक है, अभी अभी क्योंकि मैंने कोड पुश किया इसलिए टॉप पे आ रहा है, तो पेशावर सेक्शन ए चैटबॉट इसके अंदर आप चले जाएंगे। ये अभी टॉप पे आ रहा है क्योंकि मैंने अभी अभी कोड पुश किया है, ये हमेशा टॉप पे नहीं होगा। इसमें ES6 और ES6
टूटा तो नहीं? बज गया बज गया। और नंबर फोर फोल्डर जो है इसमें ES6 इनपुट आउटपुट, और ये वो आ गया जो अभी अभी मैंने कोड लिखा है वो यहाँ पे मौजूद है। तो आप सब लोग यहाँ पे जाके इस कोड को देखकर अपने हाथ से टाइप करें, कोई भी इसको प्लीज़ कॉपी पेस्ट ना करे, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने से आपको याद नहीं होगा, ये आपको पता नहीं लगेगा, फिर आप बाद में उसको रटने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो ये कोड, इसमें से कोई भी कोड मैंने रटा हुआ नहीं है, मैंने याद नहीं किया इसमें से कोई भी कोड, और ना ही आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा। आपने इस कोड को अपने हाथ से इतनी दफ़ा लिखना है कि ये आपकी मसल मेमोरी में आ जाए। मसल मेमोरी समझते हो ना? मसल मेमोरी पता है ना, जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, नया नया सीखते हैं तो ऐसे क्लच छोड़ते हैं तो बंद हो जाती है। लेकिन जो बंदा अब साल मोटरसाइकिल चला लिया उसने, जैसे मैं आप कोशिश भी करूँ ना कि मैं छोड़ के बंद कर दूँ, फिर नहीं होती। करके देखना, तो मुझे वो टाइम याद है, छोड़ते तो बंद हो जाती थी, छोड़ते या उड़ जाती थी, अब नहीं होती। अब जितना मर्ज़ी आप उसको कोशिश करें ना, वो बंद नहीं होगी। तो ये मसल मेमोरी होती है, वो आपके मसल्स ने वो सीख लिया है कि इसको किस तरह से छोड़ना है। या जो फोर व्हील भी चलाते हैं, जो वो क्या करते हैं कि वो क्लच छोड़ने में उनसे बंद होती है, झटका लेके बंद हो जाती है। लेकिन अगर आपने साल चला लिया फिर नहीं बंद होती, आप जैसे मर्जी छोड़ो बंद नहीं होगी वो। तो ये दिस इज़ कॉल्ड मसल मेमोरी, है ना, कि आप जैसे मिसाल के तौर पर शुरू शुरू में बच्चे को जब लिखना सिखाते हैं वो तो लिखा ही नहीं जाता बेचारे से, लेकिन अब आप देखें वो बड़ी आसानी से लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मसल मेमोरी होती है, आपके मसल्स को उसकी आदत हो जाती है, और आपका मसल जो है वो डेवलप हो जाता है उसके हिसाब से, ठीक है, उस चीज़ के हिसाब से इवॉल्व हो जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो लेट्स डू दिस एवोल्यूशन प्रोसेस एंड स्टार्ट बिल्डिंग दिस। ये आपका जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको इंशाल्लाह एक असाइनमेंट दूंगा, जो तीन असाइनमेंट दूंगा आपको मैं एक्चुअली, ठीक है, इसी तरह के मैं आपको तीन असाइनमेंट्स दूंगा। दैट इज़ एक तो सम इसमें है ना, तो इसी का माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर लेंगे आप, है ना, क्योंकि पूरा फॉर्मेट यही है बस। देखो इसमें क्या होगा, हाँ नहीं बटन नहीं है वो, एक्चुअली चार फॉर्म आपका बनेगा, देखिए प्लस जो है ना बस माइनस हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये तो बड़ा आसान है, तो ये मैं असाइनमेंट नहीं दे रहा, ये आप खुद ही कर लीजिएगा, ये असाइनमेंट नहीं दे रहा मैं। इसी में ऐड कर सकते हैं, चार लाइन ही ऐड करनी है लेट रिजल्ट पर, हाँ चार नीचे डिस्प्ले करा देंगे कि भाई सम इतना है, सबट्रैक्शन जो इतना है, प्रोडक्ट इतना है, वेरिएबल नहीं, वेरिएबल चार बनेंगे ना, अलग 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 हो जाएंगे, हाँ चार अलग अलग, एक सम रिजल्ट होगा, माइनस भी तो अलग बनेगा मे बी। अब वो कैसे, वो मैं असाइनमेंट में शामिल नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ईजी है, वो आप खुद ही देख लीजिएगा। अच्छा नंबर एक असाइनमेंट शायद ये होना चाहिए कि बंदा यहाँ पे लिखेगा टेम्परेचर सेंटीग्रेड में, एक एक इनपुट, इसमें तो दो है ना, एक इनपुट होगा, एक टेम्परेचर लिखेगा बंदा सेंटीग्रेड में, और नीचे कन्वर्ट का बटन दबाएगा तो नीचे फॉरेनहाइट में लिखा हुआ आ जाए। सही है, आसान है, इसमें भी एक इनपुट लेना है, वो नंबर वंस आपके पास आ गया वेरिएबल में तो उसको प्रोसेस करना आपको आता है और स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना, वही पुराना तरीका है। अच्छा तो एक तो ये मैंने सोच लिया, और दो सोचते हैं, ये तो मैंने करके दिखाया ना, ये तो आपने अभी करना है, सम वाला आपने अभी यहाँ पे करना है, मेरा कोड देख के, हाँ वो तो मैथ है ना, प्लस माइनस से हम कर सकते हैं ना, वो तो बड़े आराम से। फॉरन हाइट अगर मेरे पास वेरिएबल में आ गया है तो प्लस माइनस करके उसको मैं फॉरन हाइट को कन्वर्ट कर लूँगा, है ना। अच्छा एक तो ये हो गया, और इसी तरह का कन्वर्टर एक दो और सोच लेते हैं कोई, हाँ लेंथ को कर लेते हैं कि मीटर को फुट में कन्वर्ट कर दें, है ना, मीटर्स को फुट में कन्वर्ट कर दें, एक ये हो गया। अच्छा तीसरा ज़रा रियल लाइफ भी सोच लेते हैं ना, रियल लाइफ सोच लेते हैं कोई, हम रियल लाइफ, हाँ जैसे ज़मीनों का जो कैलकुलेशन होती है कि वो एरिया, अच्छा तो स्क्वायर यार्ड को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर दें, ये तीन हमारे हो गए। क्योंकि अक्सर ये क्योंकि कराची में जैसे जो लैंड सेल करते हैं वो स्क्वायर यार्ड में ज़्यादातर बताते हैं कि जी 60 गज़ का है या 120 गज़ का है, या गज़ वाला हिसाब है वहाँ पर। तो अब जो वो टाइल लगाने के लिए जो आता है वो कहता है नहीं मुझे तो स्क्वायर फीट में चाहिए, क्योंकि टाइलें तो स्क्वायर फीट के हिसाब से आती हैं, तो उसको हर दफ़ा कैलकुलेट करना पड़ता है। दिस इज़ अ रियल लाइफ यूज़ केस। अच्छा इसी तरीके से मीटर को फूट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है क्या हमें? आई थिंक नहीं पड़ती, बहुत कम पड़ती है। यहाँ पे ज़मीनें किस हिसाब से सेल होती हैं? मरले के हिसाब से। अच्छा नहीं मतलब मरला, एक मरला कितना होता है? 200
272 सर स्क्वायर फीट में सर, ये एरिया के हिसाब से होते हैं। अच्छा, ये सर इस्लामाबाद में 250 है और पिशावर में 270 है। यार ये कैसे हो सकता है यार? नहीं, ये मरला डिसाइड कौन करता है कितना बड़ा होगा? जैसे देखो एक फुट तो एक ही फुट होगा ना, दुनिया के किसी भी कोने में चले गए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये डिसाइड कौन करता है कि एक मरले में कितने होंगे? 270 स्क्वायर फुट है पंजाब में, 250 स्क्वायर फीट का एक मरला होता है, 270 का एक मरला। अच्छा, तो चलो यहाँ वाले से करते हैं। सही है। अच्छा, मरले में खरीद लिया, अब ये टाइलें वगैरह लगाते हैं तो वो किस में लगाता है? वो स्क्वायर फुट में। अच्छा, तो गज को भी स्क्वायर फुट में और मरले को भी स्क्वायर फुट में, ये दो तीन कन्वर्टर हो गए हमारे। नंबर एक, सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में। नंबर दो, स्क्वायर यार्ड को स्क्वायर फुट में। और नंबर तीन, मरले को स्क्वायर फुट में। सही है, ये तीन कन्वर्टर हमारे हो गए। ये मैं गूगल क्लासरूम पर अभी अपलोड कर देता हूँ। सही है, ये मैं लिख देता हूँ, उसका लिखा हुआ होगा वहाँ से आप देख लीजिएगा। अभी लिख, अभी तो ये बनाए ना फिलहाल, अभी तो ये बना लें। ठीक है, ये वाला फिलहाल कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं ये अपलोड करता हूँ जब तक। तो।